गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का तीसरा व्लॉग है हमारा। जो आज का प्लान था वो प्लान था कुफरी जाने का। हमने ना कल रात को वहाँ से कुफरी की टैक्सी वगैरह सब कुछ बुक कर दी थी। आज सुबह उसने आना था। सुबह सुबह हम उठे जल्दी, हमने वो देखा टेम्परेचर, तो भाई वहाँ पे ना एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरा क्या है वहाँ पे 100% बारिश का अलर्ट है और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए हमने सुबह सुबह जो है कैंसिल करी टैक्सी और अब हम जो है देखते हैं बाहर ऐसी कहीं चल रहे एक दो डेस्टिनेशन आज मिली जाएगी। हम अगर कल भी मतलब कल बारिश वगैरह नहीं रही, इतनी नहीं रही, तो हम हो सकता है कि हम कल ही कुफरी निकल जाए। फिर उसके बाद या तो कल रात की वापसी दिल्ली की या परसों सुबह की वापसी। तो आज का व्लॉग भी पूरा एंजॉय करते हैं। देखो सुबह सुबह हम अभी आए हैं यहाँ पे, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। हम फिर से लेट हो गया यार होटल में, सारे इतना लेट कराते हैं। हम 12 बज गए, हम अभी तक होटल में ही हैं। और यहाँ पे देखो मुस्तफ़ा भाई और शुड्डू भाई पूल खेल रहे हैं। इसका शॉट देखना साला, मुस्तफ़ा भाई का शॉट देख लो। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ यार तुम्हें सुबह सुबह व्यू दिखाएं भाई, होटल से तो बहुत ही सही व्यू आ रहा था, तो अब हम यहाँ पर आए हैं। ओ बाहर आके तो और भी सही लग रहा हूँ यार, मैं अंदर इतनी देर से ऐसे ही बोल रहा था, बाहर ही सही लग रहा है। कुफरी कैंसल यार, ओ बड़ी सी की कहते हैं बारिश वगैरह काफी रिस्क है। बारिश का मैंने भी बताया, बारिश का सीन हो रहा वहां पे। हाल तो मैं फंस गया है, तो दिक्कत है। सिम्मू भाई भी अपने ये रे। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घूमने, तो आप हमारे साथ चलेंगे? चलो भाई पीछे तुम देखो सारे बादल वगैरह, पहाड़ भाई बहुत। हम यहाँ की पार्कों को देखने जा रहे हैं। हाँ, हम यहाँ के आगे भी पार्क देखेंगे। मेनली यहाँ पे मुस्तफा बता रहा था एक दो डेस्टिनेशन, पता नहीं उसको कहीं से पता लगी, तो हमने सोचा कि चलो वही देखने चल लेते हैं। तो आओ यार, हैं मुस्तफा बता रहा था इसलिए सोचा। फिर से वही चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, जैसे वही चढ़ाई शुरू हो गई यार है। अब कब खत्म होगी ये साला शाम को आके। चल ये देखो साले का फोटो शूट, फोटो। अभी हम यहाँ से निकले थे घूमने के लिए, यहाँ से मॉल रोड वगैरह। हम अभी ऊपर चढ़ाई करनी शुरू करी थी, उतने में देखो बहुत तेज बारिश आने लगी, बहुत तेज। और हम सारे यहाँ देखो भीग गए, भगते भगते आए, बहुत तेज भगते भगते। यहाँ पर तो हमें मजा आ गया भागने में, बहुत ज्यादा। क्या हो गया? कपड़े गिले। तू तो मामा पतला ही हो जाएगा। सही कह रहे हैं, मैं तो पतला नहीं आया हूँ यार, 6 महीने का जिम करने भाई। इसलिए मैं बोलता था सुबह निकलो, टेंशन निकलो। पर ज्यादा नहीं लेट करा भाई, 1 बजे तुम घर से निकलोगे, बारिश का वेट कर रहे थे ना कि बारिश आएगी तो निकलेंगे। आ गई बारिश, अब ले लो। ज्यादा नहीं लेट करा, चल साले। हाँ स्टार्ट हो चुका है व्लॉग, बड़ी देर से बारिश के बाद। अब बहुत तगड़ी धूप निकली है। अभी हमने यहाँ से टैक्सी ले ली है, टैक्सी लेके अभी हम जाएंगे मॉल रोड। हैं जतिन भाई, सुबह से अब कितनी कड़ी धूप निकली है। 4 बजे, 4:30 बज गए, हम यहीं पर ही अड़े हैं। अब हम निकल रहे हैं, फटाफट आ जाओ भाई, अब जल्दी जल्दी घूमने चलो। बहुत कड़ी धूप है, बहुत कड़ी। व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है, 1 मिनट बैक शॉट देता। बहुत प्यारा व्यू है भाई, बहुत प्यारा सच में। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर, बहुत प्यारा व्यू है यार भाई। फाइनली हम इको में आ गए, हम जब से आए इको में ही घूम ही जा रहे हैं, और कोई रास्ता और कोई हमें कन्विंस ही नहीं मिल रही है। और यहाँ से अब हम होटल से निकल चुके हैं, और भाई व्यू बहुत प्यारा आ रहा है भाई पहाड़ों का। अब आइए, बहुत कड़क धूप है, मैं बताओ अम्मा। अब आई भाई कड़कदार धूप आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हुई नहीं है। दिल्ली में आ गया, चप्पलों में ही आ गया ये, चप्पलों में ही आ गया। भाई ने स्वेटर पहना हुआ है भाई, कोई ना देखते की होगा, इधर गर्मी लग रही है। हाँ भाई बोतल देखो भाई, काले कुत्ते सारे काले। ओए छुट्टू ये वाला घर देख कैसे चढ़ाई करते थे जाने के लिए मॉल रोड। ये तो भाई अभी हम अपना कैब से उतर गए, हमने देखना ही है। चलो कैब से उतर गए और अब यहाँ से हम लिफ्ट हमने पकड़ी, लिफ्ट से हम ऊपर आए और उसके बाद हम वापसी मॉल रोड आए हैं। अभी हम देखते हैं, हमने ना सुबह ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद लंच में ना ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम लेट हो गए थे, तो हमने पास्ता वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, फिर हम मॉल रोड आ गए। तो अभी यहाँ से हम चढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें दिखाते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, पर पीछे बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यार।
अब जो है धूप निकल आई है बहुत अच्छी भाई व्यू देखो। वो तो हम एक बार इसमें व्यू देखो बाद में। ये भी बता दो बहन भाई साहब। ओए हो हो यहाँ पे अब तुम देख रहे हो कीचड़ वगैरह हो रखा है सारा बारिश की वजह से, पर अब बंदे निकलने घूमने आ चुके हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई। यहाँ से हम अपना घूम घाम के अब कुछ खाने पीने की भूख लग रही थी, तो यहाँ से मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ भाई। बहुत प्यारा व्यू है भाई देखो। यहाँ से अभी हमने सामने से कुलचे खाए हैं, कुलचे भी टेस्टी थे। और उसके सामने यहाँ पे एक दुकान है ओनली वेज करके भाई, इसका चाइनीज़ बहुत स्वाद है। अभी हमने मंचूरियन लिया, मंचूरियन भी स्वाद था। एक कुकरेज है यहाँ का फेमस, वो आइटम खाई, वो भी बहुत स्वाद है। तो यहाँ पर आओ तो आप खा सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा है और रेट भी बहुत अच्छा है। आपके सामने मेन्यू है भाई, देखोगे बहुत सही रेट में है। कैसा लगा चाइनीज़? कैम था ना, ठीक था, मज़ेदार था भाई। रेट के अकॉर्डिंग बहुत सही था। मैं वो 40 रुपये का एक रोल दिया भाई, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सही है। क्यों क्या क्या टेस्ट टेस्ट बढ़िया है ना इसका वैसे, उस वाले से कृष्णा वाले से तो बहुत सही है यार। गाली निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तो खत्म ही कर दो। अगर हम सोचे ना कि ये पहाड़ी और वो देखिए के आगे भाई ऊपर खड़े। हमने अभी खाना वगैरह यहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह चाइनीज़ खाया और यहाँ पे सारे खड़े हैं। अब भाई मैं तुम्हें दिखाऊं, पहले हमने यहाँ पे फोटोज खींचनी शुरू करी। यहाँ पे धीरे धीरे देखो लाइन कितनी लगती है। बैक व्यू तुम्हें दिखाते हैं भाई, आँखों का व्यू मैं तुम्हें जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ भाई, पर भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर भाई। भाई सामने से यहाँ पे सनसेट हो रहा है, सूरज की धीरे 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 यहाँ पे किरणें जो है बढ़ती जा रही है। और भाई बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है भाई यहाँ से, तुम देखो सारे बंदे लगे हुए हैं फोटो वगैरह खींचने में भाई, बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। अब तो कम हो गया लेकिन पहले तो और ज्यादा प्यारा आ रहा था ना। अब तो ना वो सूरज खुल गया वाली फोटो खींची थी मैंने यार, पता नहीं क्या बात है। तो भाई अभी जो है हम खाना वगैरह खा के आ चुके हैं भाई। हमने यहाँ पे दिल्ली दरबार का खाया, इनको बहुत दिल था चिकन वगैरह खाने का भाई। चिकन फ्राई लिया 600 रुपए का, कितना सा चिकन आया भाई मेरे, मानोगे एक इतना सा पीस मेरे इससे आया, टोटल 7 पीस थे, इतने इतने से बस खत्म। मैंने खाया सारा नहीं, मैंने ये नहीं बोला, थोड़े थोड़े से खाए, 7-8 पीस 10 पीस भाई थे छोटे छोटे, पता भी नहीं लगे 600 रुपए का चिकन सारा एक प्लेट में खत्म। अब आया ये सुप्रीम वाला, भाई बिल्कुल बेकार था। मतलब दिल्ली दरबार कभी मत जाना। और उसके बाद हम वहाँ पे शेरे पंजाब है बैक साइड पे, हम वहाँ पर गए वेज खाने। तो उसका मतलब कोई ज्यादा खास नहीं था शेरे पंजाब का, पर ठीक ठाक था दिल्ली दरबार के अकॉर्डिंग, ठीक था। क्या चीज़? शेरे पंजाब भाई सही था, बहुत सही था। बताता हूँ ना, जल्दी बोल चल भाई, मतलब ठीक था शेरे पंजाब का खाना, बुरा नहीं था। तो यार अब चलते हैं यहाँ से घर जल्दी जल्दी, क्योंकि अब थक चुका है बहुत सारे। वीडियो जरूर देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नया हो तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करना। Yeah, I'm gonna try to see what I
चलो भाई अब हम यहाँ से घूम घाम के आ चुके हैं। आज फिर से मनाली रोडी गए थे और बाकी सारे जो है अब यार यहाँ पे आराम कर रहे हैं, थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं। तो अब चलते हैं, होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। कल हम जाएंगे नई जगह पे।